नमस्कार, कैसे हैं आप सब? क्या बंगाल चुनाव में तुष्टिकरण के भरोसे सत्ता हासिल करने का सपना देखने वाली ममता बनर्जी की जमीन फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने खींच ली है? पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने तीसरे फेज के चुनाव से पहले जनता को संबोधित करते हुए, मीडिया से बात करते हुए जो बातें कही है, वो ममता बनर्जी के लिए बेचैन करने वाली है। ममता लगातार ममता बानो के रूप में सुर्खियों में रही, लेकिन चुनाव के आखिरी दो महीने ममता चंडी पाठ करती नजर आई, कभी दुर्गा पाठ करती नजर आई, कभी वो हरे कृष्ण करती नजर आई, कभी वो अपना गोत्र शांडिल बताते नजर आई। लेकिन ममता बनर्जी इसलिए जानी जाती रही कि उस बंगाल में, जहां जो बंगाल दुर्गा पूजा के लिए लोकप्रिय है, वो बंगाल जो मां काली की पुण्य भूमि है, वो बंगाल जो साधु संतों और भारत के महान विचारकों समाज सुधारकों की भूमि है, वो बंगाल जो स्वामी विवेकानंद की भूमि है, वो बंगाल जो रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, उस बंगाल से ये आवाज उठने लगी कि ये वो लोग गुंडे होते हैं जो चुटिया रखते हैं। ये सवाल चुटिया रखने, स्वामी विवेकानंद के चुटिया रखने, रामकृष्ण परमहंस के चुटिया रखने पर था। वो बंगाल जो बंगाल भारतीय संस्कृति का महान ध्वज वाहक रहा, उस बंगाल में सरस्वती पूजा पर रोक लगने लगी। वो बंगाल जो विद्या की भूमि रही, उस बंगाल में सरस्वती पूजा पर रोक कई सवाल खड़े करने लगे। लेकिन चुनाव के आखिरी दौर में जो सरस्वती पूजा का समय आया, तो खुद ममता बनर्जी अपने पार्टी के रूप में उससे करती नजर आई। लेकिन तुष्टिकरण में वो कहीं पीछे नहीं रही। वो महिला होते हुए भी स्कल टोपी लगाते हुए घूमती रही, वो सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ती रही मंचों पर। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी के इसी मुस्लिम तुष्टिकरण को ढोंग करार दिया है। बंगाल में 19वीं शताब्दी के महान पीरजादा के परपोते अब्बास सिद्दीकी, जो खुद को पीरजादा के वंशज कहते हैं, जिनका अपना एक बड़ा वोट बैंक है, और उन्हें कब्जाने के लिए लगातार जद्दोजहद खुद ममता बनर्जी करती रही। बाद में उनका गठबंधन कांग्रेस और वाम के साथ हुआ। पीरजादा कहते हैं कि हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हमारे लिए बीजेपी के अलावा कोई दुश्मन नहीं है। ये जवाब वो तब दे रहे थे जब उनसे कहा गया कि आपने मुस्लिम वोट को बंटने से नहीं रोका, आपने हैदराबाद वाले भाईजान के साथ गठबंधन नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि भाईजान ने हमसे नहीं किया, हमारे लिए दुश्मन कोई नहीं है सिवाय बीजेपी के। हम तो ममता बनर्जी से गठबंधन चाहते थे, हम 44 सीट चाहते थे, ममता ने कंजूसी कर दी। अब वो सवाल करते हैं कि ममता के साथ हमारा तारतम्य इसलिए भी नहीं बैठता कि ममता तुष्टिकरण करती है। ये बात यदि कोई मुस्लिम नेता कहता है तो ये बड़ी बात है। पीरजादा ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि आस्था मंदिर में होनी चाहिए, लेकिन आप मस्जिद में होनी चाहिए, लेकिन जब आप मंच से नवाज पढ़ते हैं तो ये ढोंग लगता है, और इस ढोंग पर के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। पीरजादा सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर कोई हमारे लिए अछूत नहीं है, और उन्हें का सिर पर टोपी जरूरी नहीं है चुनाव प्रचार के लिए, ये सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है। तो फिर ममता बनर्जी मंच पर किस लिए इस्लामिक टोपी पहनती हैं? ये सवाल उन्होंने उठाकर कहा कि ये इस्लाम का अपमान है, और मुझे लगता है कि अंतिम समय में और मजहब को दूर रखना चाहिए, इस तरह का घालमेल नहीं करना चाहिए। पीरजादा के इन बयानों से एक बहस छिड़ गया, और चुनाव के अंतिम दौर में, मतलब तीसरे फेज के निर्णायक चुनाव के अंतिम दौर में, पीरजादा सिद्दीकी के इस उद्घोष ने ममता बनर्जी के ढोंग की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि मैं मंदिर कभी नहीं जाता क्योंकि मेरी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं है, लेकिन मैं दूसरे को रोक नहीं सकता, और जिस चीज में आपकी आस्था नहीं है वहां जाने का दिखावा करना एक ढोंग है,
और उसका मजाक उड़ाना है। तो ममता बनर्जी पर उन्होंने एक तरह से इस्लाम का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, मैं भी करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंदिर में जाकर पूजा करने का दिखावा करने लगूं जिसमें मेरी आस्था नहीं है। ममता बनर्जी यदि कहती हैं कि वो चंडी पाठ करती हैं, वो दुर्गा पाठ करती हैं, और यदि वो इस तरह की चीजें करती हैं, इसका मतलब बाकी चीज दिखावा करती हैं। उन्होंने सरस्वती और दुर्गा विसर्जन को रोके जाने पर भी ममता के लिए सवाल किया। ये एक बेहद महत्वपूर्ण है कि पीरजादा ने कहा कि किसी एक चीज के लिए दूसरे को रोका नहीं जा सकता, ये तमाम चीजें ढोंग है। ममता बनर्जी पर ये बातें कोई बीजेपी का नेता या अमित शाह नहीं कर उठा रहे। ममता बनर्जी पर ये आरोप नरेंद्र मोदी नहीं लगा रहे थे। ममता बनर्जी पर ये आरोप योगी आदित्यनाथ नहीं लगा रहे थे। ममता बनर्जी पर ये आरोप पीरजादा लगा रहे थे जो मुस्लिम नेता माने जा रहे हैं। कोलकाता से कुछ दूरी पर वो पीर है, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 70 से 90 विधानसभा सीट पर पीरजादा का प्रभाव है। ऐसे में जिस तुष्टिकरण की वोट के लिए नंदीगांव से चुनाव से पहले ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम में बंटती हुई नजर आई, और खुल करके नंदीगांव से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने साफ किया कि नंदीगांव के चुनाव के दौरान एकदम से हिंदू मुस्लिम हो गया और ममता बनर्जी एकदम से किसी खास मजहब के वोट के लिए जद्दोजहद करती नजर आई, इसका असर पूरे बंगाल में होने लगा। लेकिन अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाकर, धार्मिक दिखावे का ढोंग करने का आरोप लगाकर उनकी जमीन खींची है, और ये कहा है कि इस तरह के दिखावे राजनीतिक मंच पे नहीं होनी चाहिए, धर्म निजी मामला है और उसे वहीं तक रखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इस बयान ने बंगाल में नए विमर्श को छेड़ दिया है। जो ममता बनर्जी ममता बानो कही जाती हैं, ममता बनर्जी को इससे ऐतराज होने लगा बाद में, उस ममता बनर्जी के ममता बानो बनने की को ही पीरजादा ने ढोंग और इसे तुष्टिकरण करार दिया और मुस्लिम वोट की लूट की साजिश करार दी। अब बंगाल चुनाव पर इसका असर कितना होगा, ममता के वोट पर इतना इसका कितना असर होगा, वामपंथ के कोटे के वोट से ममता को मिलने वाले वोट पर कितना लगाम लग पाएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन पीरजादा ने ममता बनर्जी की राजनीति पर एक नए विमर्श को छेड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।